हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स हैं। इनमें से कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और विकिपीडिया। अगर आप यूज़फुल वेबसाइट को सर्च करने के लिए एक एक वेबसाइट को चेक करने लग जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और यह प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही 5 यूजफुल वेबसाइट लेके आया हूं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा है और कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल चैनल पर आपका स्वागत है। ssavr.com एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वेबसाइट है। इस वेबसाइट की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा, लिंक्स या फाइल शेयर कर सकते हो। ssavr.com पर वर्क करने के लिए आपको किसी भी टाइप के लॉगिन अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप ssavr.com वेबसाइट की हेल्प से कोई डेटा, कोई मैसेज अपने एम्प्लॉइज में शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर को स्टार्ट करना होगा और वेब ब्राउजर के अंदर आपको एक यूआरएल टाइप करना होगा ssavr.com। ऐसा करते ही आपके सामने ssavr का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइपिंग बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आके आपको मैसेज टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मैसेज टाइप किया, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल। जब एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर पर ssavr वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसे आपके द्वारा भेजा गया मैसेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप ssavr.com की हेल्प से किसी फाइल को अपने एम्प्लॉइज में शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर के अंदर एक यूआरएल टाइप करना होगा ssavr.com और यहां आप देख सकते हैं एक अपलोड बटन आपको मिलेगा। जैसे आप अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर एक फाइल सेलेक्ट की है firstframe.png एंड ओपन। तो यहां आप देख सकते हैं आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपके द्वारा अपलोड की गई फाइल को एक्सेस करना है तो इसके लिए सबसे पहले उसे अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर को स्टार्ट करना होगा और यूआरएल में ssavr.com टाइप करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक डाउनलोड बटन दिया हुआ है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स डिस्प्ले होगा। अगर आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है तो यहां देखिए जस्ट डाउनलोड बटन है और इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या टीचर हो तो यह वेबसाइट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। कई बार आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए डायग्राम, ईआर डायग्राम, कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड डायग्राम, फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ते होंगे। draw.io वेबसाइट की हेल्प से आप अपने डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट्स को ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो और डायग्राम्स को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई फ्लो चार्ट, डीएफडी या ईआर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर को स्टार्ट करना होगा। इसके बाद यूआरएल में आके आपको draw.io वेबसाइट को ओपन करना होगा। इस वेबसाइट में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू डायग्राम और ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम। तो हमें क्योंकि नया डायग्राम बनाना है इसलिए हम क्रिएट न्यू डायग्राम बटन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास चॉइस आ जाएगी कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको कोई लेआउट बनाना है, आपको कोई नेटवर्क से रिलेटेड डायग्राम बनाना है। फिलहाल यहां पर मैंने फ्लो चार्ट ऑप्शन का सिलेक्शन किया और क्रिएट बटन पर क्लिक किया।
तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है, क्योंकि हमें फ्लो चार्ट बनाना है और जैसा कि आपको पता है फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग एलिप्स सिंबल से होती है, तो हमने यहां पर दो एलिप्स सिंबल्स स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर दिए। इसके बाद आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। एक बार जब आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस फ्लो चार्ट को सेव करना होगा। सेव करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाए, तो इसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहां आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट एज, और एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इन फॉर्मेट्स में से हमें पीडीएफ का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये हमसे फाइल का नाम पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल फाइल का नाम मैंने रख दिया डेमो, और डेमो रखने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पर, वन ड्राइव पर, क्योंकि ये फाइल हमें हमारे लोकल कंप्यूटर पर सेव करनी है, इसलिए हम यहां पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई और यहां डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे ओपन करके देख सकते हैं, देख सकते हैं आपका फ्लो चार्ट पीडीएफ फाइल में सेव हो चुका है। दोस्तों आपके पास आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे ही, जैसे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। जनरली ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अलग अलग पीडीएफ फाइल की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो इस काम के लिए आप pdfmerge.com वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको किसी भी दो पीडीएफ फाइल को मर्ज करके तीसरी पीडीएफ फाइल को जनरेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो पीडीएफ फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे दो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ वन एंड पीडीएफ टू। ये हमारी पीडीएफ वन फाइल है, इसी तरह से ये हमारी पीडीएफ टू फाइल है। अब मैं इन दोनों फाइलों को मर्ज करके कॉमन फाइल बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर को स्टार्ट करेंगे और वेब ब्राउजर में एक आपको यूआरएल टाइप करना है pdfmerge.com। यहां आप देख सकते हैं ये pdfmerge.com वेबसाइट का होम पेज है और इस होम पेज के अंदर आप देख सकते हैं चूज फाइल बॉक्स दिए हुए हैं। इस तरह आप एक या एक से अधिक पीडीएफ फाइल को मर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चूज फाइल बटन पर क्लिक करना होगा और अपने कंप्यूटर से फर्स्ट पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से मुझे दोबारा चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है और सेकंड पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं बॉटम में एक बटन दिया है मर्ज फाइल्स, आपको मर्ज फाइल बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आपकी पीडीएफ फाइल मर्ज हो जाएंगी आप यहां देख सकते हैं व्यू एंड डाउनलोड इन ब्राउजर आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते आप देख सकते हैं आपकी फाइल यहां डाउनलोड हो चुकी है। फाइल को देखने के लिए जस्ट आपको इस फाइल पे क्लिक करना होगा और क्लिक करके देख सकते हैं आपकी फाइल में दो पेजेस हो चुके हैं, पेज वन और पेज टू। अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हो तो typing.com आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए पहले से बने हुए चैप्टर्स मिल जाएंगे जिनको सिंगल क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो और अपने टाइपिंग की स्पीड को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउजर को स्टार्ट करना होगा और एड्रेस बार में आपको लिखना होगा typing.com। ऐसा करते ही आपके सामने typing.com वेबसाइट का होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। टाइपिंग के लिए आपको टाइपिंग लेसन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हैं जो टाइपिंग चैप्टर्स हैं वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज है। आप यहां पर बिगनर्स के लिए प्रैक्टिस शीट देख सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए शीट देख सकते हैं, सिमिलर एडवांस यूजर के लिए यहां पर शीट्स है, प्रैक्टिस शीट भी यहां पर अवेलेबल है, स्टोरीज भी अवेलेबल है।
फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं एक इंटरमीडिएट यूजर हूं, तो मैं सबसे पहले इंटरमीडिएट पर क्लिक करूंगा और इसके बाद आप यहां देख सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स अरेंज है। सबसे पहले यहां आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है और इसके बाद अब आप यहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कई बार हमें अपनी फाइल में कुछ स्पेशल सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सिंबल्स को हम कैरेक्टर मैप एप्लीकेशन की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं, पर कैरेक्टर मैप में सिंबल को सर्च करना इतना आसान नहीं होता। कॉपी कैरेक्टर डॉट सी सी वेबसाइट की हेल्प से हम अपनी फाइल में किसी स्पेशल सिंबल, लेटर, नंबर, करेंसी साइन और मैथमेटिक्स सिंबल्स को इजीली सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एमएस वर्ड की फाइल में कोई स्पेशल सिंबल चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउजर को स्टार्ट करना होगा और वेब ब्राउजर में एक स्पेशल यूआरएल कॉपी कैर डॉट सी सी टाइप करना होगा। तो आप देख सकते हैं कॉपी कैर सी सी वेबसाइट का होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा और यहां पर जितने भी सिंबल्स हैं सभी सिंबल्स को कैटेगरी वाइज अरेंज किया हुआ है। इससे आप कम से कम टाइम में उस सिंबल को सर्च करके यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करेंसी सिंबल चाहिए तो आप करेंसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर सारी करेंसी सिंबल्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको जिस भी सिंबल की रिक्वायरमेंट है जस्ट आप उस सिंबल पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही ये सिंबल क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा और इसके बाद आप एमएस वर्ड में आके राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करें तो आप देख सकते हैं रुपी सिंबल कॉपी हो गया। इसी तरह से अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का सिंबल चाहिए तो आप मैथमेटिक्स लिंक पर आ जाएं और यहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी मैथमेटिक्स का सिंबल कॉपी कर सकते हैं और वर्ड में आके आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे।